और जी कितना मैं क्या सारे ठीक ठाक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मखीजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब पर। तो दोस्तों आज आपके लिए जो फ्लैट लेके आ रहा हूं, 90 गज का सेमी फर्निश्ड फ्लैट, 3 BHK फ्लैट जो कि मोहन गार्डन की लोकेशन में आपको मिलने वाला है। टोटल प्लॉट एरिया की बात करूँ तो ये 84 यार्ड की इसकी आपको रजिस्ट्री मिलने वाली है। इंडिपेंडेंट फ्लोर है, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ आपको मिलने वाला है। मेट्रो स्टेशन की अगर डिस्टेंस की बात करूं तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये फ्लैट मिल जाता है। ई रिक्शा फैसिलिटीज़ यहां से आपको इजीली मिल जाती है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपको यहां पर सुबह शाम मिलता है। अपना BSES की आपको यहां पर बिजली का पूरा कनेक्शन मिल जाता है। सीवर, लाइट, पानी आपको सब कुछ यहां प्रॉपर मिलने वाला है। तो फ्लैट का पूरा व्यू दिखाने से पहले आपको ले चलता हूं अपने फ्लैट के फ्रंट एलिवेशन पर, चलते हैं। आ चुके अपने बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारी एक गली है, आप देख सकते हैं 18 फीट की पूरी सीमेंटेड गली मिल जाती है। सीवर, लाइट, पानी, जैसे मैंने आपको बताया तो सीवर का काम ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। IGL की गैस पाइप लाइन भी यहां पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन दिखाने से साथ साथ आपको दिखाना है पूरा, आप देख सकते हैं ब्राउन और वाइट कलर का इसमें टाइल्स का काम किया हुआ है। टफल ग्लास के साथ इसमें हम आपको रेलिंग लगाकर दे रहे हैं। अगर गेट की बात करूं, आयरन गेट की, आप देख सकते हैं वाइट और ग्रे कलर के पेंट के साथ इसको हमने पूरा कवर किया हुआ है। तो अब चलते हैं अपने कार पार्किंग की तरफ। कार पार्किंग में ले जाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा इसमें जो हम आपको इंटरकॉम फैसिलिटी दे रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ दे रहे हैं। 4 फ्लैट हैं, चारों फ्लैट का हमने सेपरेट इसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा कार पार्किंग एरिया आ जाएगा। कार पार्किंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर आपको कार पार्किंग मिल जाती है। 4 फ्लैट हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, तो 4 फ्लैटों के साथ 4 गाड़ियों की पार्किंग दे रहे हैं। आप एक अपनी बाइक पार्किंग के साथ, एक कार पार्किंग के साथ इसको अवेल कर सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के अंदर फॉल सीलिंग तैयार किया हुआ। कॉब लाइट, LED लाइट इसमें हम आपको लगा कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि आप अपने इस फ्लैट के अंदर, मतलब पार्किंग के अंदर कोई भी गैदरिंग करना चाहते हैं, बर्थडे फंक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। 3.5 फीट तक का हम इसमें आपको टाइल्स को कवर करके दे रहे हैं, जिससे आपके कार पार्किंग में डस्ट नहीं होती, गंदे नहीं होता। मतलब जैसे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आपको दिखाना चाहूँगा ये हमने एक वॉशरूम बनाया है। जैसे हमारा कोई गार्ड वगैरह आप अपने यहाँ लगाते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए वॉशरूम तैयार किया है। या कोई फंक्शन करते हैं तो वॉशरूम वगैरह, जैसे आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पर अपना वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको दिखाना चाहूँगा हमारा यहाँ पर वाटर कनेक्शन आ जाएंगे सेपरेट। बिल्कुल दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन आपको मिल जाता है, सुबह शाम दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिलता है। सबमर्सिबल का पानी आपको यहाँ 24 घंटे मिलेगा। ये हमारा लिफ्ट एरिया आ जाएगा। जैसे अभी इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है तो लिफ्ट भी बहुत जल्दी आपको वर्किंग में मिलेगी। इसके साथ ये हमारा स्टेयर एरिया आ जाएगा। यहाँ पर हम 304 का आपको हैवी स्टेनलेस स्टील के अंदर आपको रेलिंग लगा कर देंगे। तो चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों हम आ चुके अपने अपने लॉबी एरिया में। फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हमारा जैसे इंडिपेंडेंट फ्लोर है, यहाँ पर आपका लिफ्ट एरिया आ जाता है। इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको हमें काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देने वाला हूँ। फ्लैट के अंदर सेमी फर्निश्ड फ्लैट है बट इसमें आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप काउंट करते रहिएगा कि क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको आयरन गेट लगा के दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं नेट के साथ प्रॉपर आपको यहाँ पर आयरन गेट मिल जाता है। फिर ये आ गया हमारा लिविंग एरिया। एंट्री करते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया में दिखाना चाहूँगा ये आपको जो वुडन डोर दे रहे हैं MDF वर्क के साथ, फ्लश हैंडल के साथ आपको ये वुडन डोर मिल जाता है। चौखट की अगर हाइट की बात करूं तो 8 फीट की पूरी हाइट के साथ आपको इसकी चौखट मिल जाती है। इसके साथ आपको दिखाना चाहूँगा हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की अगर डायमेंशन की बात करूं तो 10x14 का आपको ये लिविंग एरिया मिलने वाला है। वर्टिफाइड टाइल्स आपको इसमें, डिजिटल वर्टिफाइड टाइल्स में फ्लोरिंग मिल जाती है। पूरा क्रीम कलर के अंदर लाइट ब्राइट कलर इसमें हमने यूज़ किया हुआ टाइल्स का, आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब ग्लॉसी लुक के अंदर आपको ये टाइल्स मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके वॉलपेपर की। तो वॉलपेपर आप देख सकते हैं 3D वॉलपेपर, बहुत ही अच्छे नए लुक के अंदर, नए डिज़ाइन के अंदर हम आपको इसमें 3D वॉलपेपर लगा कर दे रहे हैं।
अब दिखाना चाहो उसका आपको फॉल सीलिंग डिजाइन। फॉल सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी अच्छे डिजाइन के अंदर फॉल सीलिंग मिल रही है आपको। एलईडी लाइट, कॉब लाइट इसमें हम आपको लगा के दे रहे हैं। अब सेकंड गिफ्ट की बात करते हैं, जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट सेकंड वाला देने वाला हूँ वो दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें थ्री इन वन लाइट के साथ आपको ये झूमर मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कलर रिफ्लेक्शन इसके, अलग अलग कलर्स के अंदर आपको इसमें लाइट के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अलग अलग कलर्स के अंदर आपको ये झूमर मिल जाता है। इसके साथ आप थर्ड ले लीजिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है, वो आपको फैंस इसमें हम आपको लगा कर दे रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं लिविंग के अंदर झूमर, फैन, 3D वॉलपेपर इसमें आपको पूरा मिल जाता है। अब इसके साथ दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था जो हमारे फ्लैट में एंट्रेंस करने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरकॉम लग जाएगा जिससे आपको पूरी एक वीडियो LED स्क्रीन लगेगी जिसमें अपने पूरा घर का व्यू देख सकते हैं कि आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके साथ अब दिखाना चाहूँगा इसका LED पैनल। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज के अंदर ये LED पैनल मिल जाता है। तो LED पैनल आप इसमें अपना 46 इंच का 54 इंच तक का TV इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं। इधर आपको एक्स्ट्रा कवर्ड दिए हुए हैं, बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें आप अपने डेली यूज़ के जो भी कोई गिफ्ट आइटम्स हैं या फोटो फ्रेम्स वगैरह यहाँ पर आप अपना प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ड्रॉअर दिए हुए हैं जिसमें आप अपने TV के रिमोट वगैरह इसमें आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके साथ अब बात करते हैं इसके वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हम आपको स्प्लिट AC की वायरिंग कर दे रहे हैं। अदर वेंटिलेशन की बात करूँ तो लिविंग एरिया के अंदर हमने शॉफर्ट एरिया दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉफर्ट है, यहाँ से भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके अदर गिफ्ट की, तो इस पूरे फ्लैट के अंदर हम आपको कर्टन्स रोड के साथ कर्टन्स लगा के दे रहे हैं। जी हाँ, पूरे फ्लैट के अंदर कर्टन्स रोड के साथ कर्टन्स लगा के दे रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। किचन एरिया दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जो कि लॉबी स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लॉबी स्पेस मिल जाता है। किचन दिखाने से पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ये आपका फ्रिज का स्पेस आ जाता है, जहाँ आप अपना रेफ्रिजरेटर यहाँ पर ईजिली यहाँ लगा सकते हैं। तो एंट्री करते हैं अपने किचन एरिया की तरफ। एंट्री करते हैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा एल कॉर्नर आपको किचन मिल जाता है। उसमें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा फॉल सीलिंग डिज़ाइन। जी हाँ, हमने इस बार किचन के अंदर भी फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया हुआ है। ब्लू कलर की इसमें कॉब लाइट और LED लाइट इसमें हम आपको लगा कर दे रहे हैं। अब इसके बात करते हैं माइका की। जो माइका हमने यूज़ किया है वाइट और ब्राउन कलर का, आपको पूरे किचन के अंदर माइका मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्टोन की, जो हमने मार्बल की बजाय ना हमने इस बार इसमें मार्बल यूज़ किया ना हमने ग्रेनाइट यूज़ किया, हम आपको लगा कर दे रहे हैं इसमें व्हाइट नैनो स्टोन। जी हाँ, व्हाइट नैनो स्टोन डबल लेयर के अंदर आपको व्हाइट नैनो स्टोन मिल जाता है। अब इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेंटिलेशन के लिए जो हमने दिया हुआ है, सेंसर के साथ आपको चिमनी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ब्रांड के अंदर सेंसर वाली चिमनी मिल रही है। अदर वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ से आपको विंडो मिल जाता है जिसमें आप अपना ऊपर एग्जॉस्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। तो जो आपको नेक्स्ट गिफ्ट देने वाला हूँ वो इसमें आपको RO देने वाला हूँ। यहाँ चिमनी दे चुका हूँ, पर्दे दे चुका हूँ, ये अब मैं आपको देने वाला हूँ नेक्सस ब्रांड के अंदर। जी हाँ, RO हम आपको लगा कर दे रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कैबिनेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं डेली यूज़ के, जो भी आपके कंटेनर्स वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बहुत काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर आपको यहाँ पर कैबिनेट या अपने यहाँ कंटेनर्स वगैरह रख सकते हैं। अब मॉड्यूलर किचन की बात करूँ तो हैवी स्टेनलेस स्टील के अंदर यहाँ पर आपको हम ये सारे कैबिनेट बना के दे रहे हैं, मतलब काफ़ी स्पेस के अंदर। हाइड्रोलिक आपको ये कैबिनेट्स मिल जाते हैं, इसमें आपको छोड़ देना ये अपने आप बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पर डस्टबिन एरिया दिखाना चाहूँगा, ये हमारा डस्टबिन एरिया आ जाएगा। काफ़ी अच्छे स्पेस के अंदर यहाँ पर आपको डस्टबिन एरिया मिल जाता है। इसके साथ यहाँ भी आपको अदर स्पेस मिल जाती है काफ़ी, मतलब हमने कमी नहीं छोड़ी किचन में कोई स्पेस की कि आपको किसी चीज़ को रखने में दिक्कत आए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके साथ हमें दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हम आपको लाइट्स लगा के दे रहे हैं, जो अभी चालू नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बहुत ही जल्द इसको हम चालू करा दें। मतलब किचन के अंदर भी पूरी प्रॉपर लाइटिंग का काम किया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो कॉमन वॉशरूम में ले जाने से पहले आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वुडन कलर के अंदर वुडन डोर हमने इसमें आपके लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इसी डोर में इनसाइड हमने सिल्वर कोटेड किया हुआ है, जिससे आपको गीला जो भी दरवाजे में बाथरूम का काम है तो बाथरूम में तो पानी ज़्यादा होता ही है, तो आपका गेट वगैरह ख़राब नहीं होता है। तो आप चलते हैं इसके कॉमन वॉशरूम के अंदर आइए। तो आप देख सकते हैं पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स का यहाँ पर हम इसमें काम करके दे रहे हैं। इसके साथ आपको पूरा इसमें जो बाथ फिटिंग रहेगी हम प्रॉपर इसमें आपको सारी करके देंगे। वॉल हैंगिंग शीट यहाँ पर आपको लगा कर दे रहे हैं इंडो कंपनी का। जी हाँ, अब आती है गीजर की बात। ये 8वां गिफ्ट आपको दे रहा हूँ गीजर के, इंडो ब्रांड के अंदर यहाँ पर आपको गीजर लगा के दे रहे हैं। वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ से आपको शॉफ्ट मिल जाती है जिसमें आप अपना यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। वॉशबेसिन एरिया आपको यहाँ एंट्री करते ही मिल जाता है आपको। अब चलते हैं दोस्तों इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम ले जाने से पहले मैं आपको बेडरूम की डायरेक्शन बता देता हूँ।
जैसे मैं अभी अपना लॉबी के अंदर खड़ा हूँ तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। सेकंड की बात करूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे सेकंड बेडरूम आ जाता है, और थर्ड बेडरूम की बात करूँ तो किचन से लेफ्ट साइड पे आपको ये थर्ड बेडरूम आ जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। डायमेंशन की बात करूँ तो 10x12 का रूम साइज आपको मिलने वाला। जी हाँ, 10x12 का। तो आप देख सकते हैं डिजिटल वर्टिफाइड फ्लोरिंग इसमें हमने यूज़ की हुई है, जैसे कि हमने आपको लिविंग एरिया में दिखाया है। इधर आपको 3D वॉलपेपर दिखाना चाहूँगा। वॉलपेपर के साथ यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए स्प्लिट की वायरिंग मिल जाती है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आपको फॉल सीलिंग तैयार करके दे रहे हैं। LED लाइट, कॉब लाइट, फैन आपको इसमें लगा के देंगे। इसके साथ कर्टन्स रोड, जैसे मैंने आपको बताया कर्टन्स रोड इसमें हम आपको लगा कर देने वाले हैं। तो हमारा इसके साथ ये जैसे कि मास्टर बेडरूम है, इसमें आपको दिखाना चाहूँगा ये हमारा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का भी आप साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर पूरा वॉशरूम हमने तैयार किया है। एंटी स्किड टाइल्स हमने फ्लोरिंग में यूज़ की हुई, आप देख सकते हैं पूरा एंटी स्किड टाइल्स के साथ काम किया हुआ है। अदर टाइल्स की बात करूँ तो पूरा वॉल टू वॉल ग्रे और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ विद गोल्डन स्ट्रिप के साथ आपको ये पूरा टाइल्स का काम करके दे रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको गीजर का प्रोविजन करके दे रहे हैं। यहाँ आपका वॉश बेसिन आ जाता है। वेस्टर्न शीट इसमें हम आपको लगा कर देंगे। वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है जिसमें आप अपने यहाँ पर शॉवर वगैरह लगा सकते हैं। विद डाइवर्टर यहाँ पर आपको टैप्स मिल जाते हैं, ठंडे गर्म पानी का दोनों आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। शॉवर इसमें हम आपको लगा कर दे रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, आइए चलते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाएगा। सेकेंड बेडरूम के अगर डायमेंशन की बात करूँ तो ये रूम भी आपको 10x12 का मिलने वाला है। इसका अगर 3D वॉलपेपर की बात करो तो आप देख सकते हैं ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर के अंदर फ्लावर प्रिंट के साथ आपको ये 3D वॉलपेपर मिलने वाला है। इसके साथ अब बात करते हैं घर में स्टोरेज की, क्योंकि घर में अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें स्टोरेज तो के लिए वार्डरोब भी चाहिए। तो वार्डरोब आप देख सकते हैं डबल स्लाइडिंग के साथ काफ़ी अच्छी स्पेस में आपको ये वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ से भी आपका मतलब ओपन कर सकते हैं और दोनों साइड मतलब आपको प्रॉपर स्लाइडिंग मिल रही है। नीचे आपको शू रैक मिल जाता है, यहाँ पर आप अपने शू वगैरह इजीली लगा सकते हैं। दोनों तरफ काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है तो यहाँ भी आप अपने शू लगा सकते हैं। इसके साथ फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के साथ इसमें आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। फ़ैन इसमें भी हम आपको लगा कर दे रहे हैं। इसके साथ आप बात करते हैं इसके वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो दिया हुआ है। बिल्कुल मतलब प्रॉपर एक अच्छे फुल साइज के अंदर आपको ये विंडो मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना विंडो इसी प्लेस करते हैं। अब चलते हैं इसके बालकनी एरिया में। ये हमारा बालकनी एरिया आ जाएगा। बालकनी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज के अंदर पूरी प्रॉपर हमने बालकनी तैयार की हुई है। जैसे कि मैंने आपको अपना फ्रंट एलिवेशन दिखाया, तो जो हमने इस बारी जो फ्रेम तैयार किया है, जो इसमें डिज़ाइन तैयार किया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के अंदर टफमल ग्लास के साथ स्टेनलेस स्टील के अंदर हम इसमें आपको रेलिंग लगा कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने आपको थर्ड बेडरूम अभी दिखाना है वो भी मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। एंट्री हम यहीं से लेंगे। तो उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना वॉशिंग एरिया। ये हमारा वॉशिंग एरिया आ जाएगा। टैब इसमें हम लगा कर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको स्विचेस लगा के दे रहे हैं जिसमें आप अपने वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और जो स्प्लिट एसी की वायरिंग हमने दी है आपको लिविंग एरिया के अंदर और आपके एक फर्स्ट बेडरूम के अंदर, तो उन दोनों के जो आउटर है वो आप यहाँ अपने बालकनी के अंदर लगा सकते हैं। ऊपर दिखाना चाहूँगा फॉल सीलिंग में भी आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह LED की हमने इसमें लगाई हुई है प्रॉपर। तो मतलब काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको ये फ्लैट तैयार करके दे रहे हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि मैं बालकनी से ही एंट्री करूँगा क्योंकि आपको दो रूम से बालकनी मिलने वाली है। तो हमारा थर्ड बेडरूम आ जाएगा। ये थर्ड बेडरूम की अगर डायमेंशन की बात करूँ तो ये रूम भी आपको 9x12 का मिलने वाला है। जी हाँ, 9x12 का, मतलब हर रूम में आपको प्रॉपर डायमेंशन मिल रहा है, प्रॉपर साइज मिल रहा है, तो जिसमें आपको अपना बेड वगैरह लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसकी अगर 3D वॉलपेपर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे कलर के अंदर, ब्राइट कलर के अंदर यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर हमने ये 3D वॉलपेपर लगा के दिया हुआ है। इसके साथ फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा काफ़ी, ये भी आप देख सकते हैं स्क्वेयर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर हमने आपके लिए फॉल सीलिंग तैयार की है। LED लाइट, कॉब लाइट, फैन इस रूम में भी हम आपको लगा कर दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, विंडो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज में इस रूम में भी मिल रही है, तो यहाँ पर भी आप अपना विंडो इसी प्लेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, क्योंकि मैंने आपको गिफ्ट तो बहुत सारे दे दिए बट इसका मैंने आपको प्राइस नहीं दिया। और प्राइस देने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि प्राइस सुनने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो प्राइस जो इसका देने वाला हूँ बहुत ही अच्छा प्राइस है, जो मतलब आपके बजट, आपकी पॉकेट के साथ 3 BHK फ्लैट 90 गज का आपको मिलने वाला है। तो मात्र 35.5 लाख रुपये में
विद कार पार्किंग विद लिफ्ट आपको ये फ्लैट मिलने वाला है, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बता ही चुका हूँ। आयरन गेट, गीजर, आरओ, चिमनी, फैंस, झूमर, ये सब कुछ आपको लगा कर देने वाला हूँ। तो दोस्तों फ्लैट को जल्द से जल्द बुक कराएं। तो दोस्तों नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों से पहले आप टोकन मनी देकर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं और चाहें तो साथ के साथ अपना लोन प्रोसेस करा के हमारी कोशिश रहेगी हम इस बिल्डिंग के अंदर आपको नवरात्रों में पोजिशन भी दे दें। तो आप जल्द से जल्द आइए, फ्लैट को बुक कीजिए। मेट्रो स्टेशन आपको बता ही चुका हूँ, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट रहने वाला है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ई रिक्शा, मार्केट, फैसिलिटीज सारी आपको मिल जाती हैं। बार बार मैं आपको अपने बच्चों के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं जिनके अपनी फैमिली में, उनकी हाई एजुकेशन के लिए ये उत्तम नगर के अंदर जो अच्छे स्कूल्स हैं नियर बाई आपको मिलने वाले हैं, 50 से लेकर 400-500 मीटर के अंदर, अच्छे डिस्टेंस के अंदर, मतलब आपको काफ़ी सारे स्कूल मिल जाते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल चाहे गवर्नमेंट स्कूल। तो दोस्तों फ्लैट को जल्द से जल्द बुक कराएं। मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। इसके साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, संदीप मखीजा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।